स्वागत है आपका कुंभ राशिफल में। नमस्कार, आज हम जानेंगे लाल किताब के बारे में। लाल किताब ज्योतिर्विद्या की एक स्वतंत्र और मौलिक सिद्धांतों पर आधारित एक अनोखी पुस्तक है। इसकी अपनी कुछ निजी विशेषताएं हैं जो अन्य सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक फलित ज्योतिष ग्रंथों से हटकर हैं। ज्योतिष के इस महाग्रंथ को पंडित रूपचंद जोशी द्वारा वर्ष 1939 से 1952 के दौरान 5 भागों में लिखी गई थी। उन्होंने लाल किताब में हस्तरेखाओं, सामुद्रिक शास्त्र, मकान की हालत और जन्म कुंडली के ग्रहों को मिलाकर भविष्य कथन और ग्रहों के दोष निवारण के लिए उपाय बताए हैं। यह पुस्तक मूलतः उर्दू में लिखी गई थी। कुछ लोग लाल किताब को टोनों और टोटकों की किताब समझते हैं, तो कुछ लोग इसको तंत्र की किताब मानते हैं। सच्चाई ऐसी नहीं है। लाल किताब से हम किसी का भी कोई नुकसान नहीं बल्कि केवल भलाई ही कर सकते हैं। इसमें धर्माचरण और सदाचरण पर जोर दिया है। लाल किताब में बहुत जगह सदाचार, कानून का पालन करना, विधवा सेवा, नेत्रहीन की सेवा और कन्या सेवा के लिए कहा गया है। वास्तव में लाल किताब जीना सीखने की किताब है। लाल किताब के द्वारा पिछले जन्म और अगले जन्म का हाल बखूबी बताया जा सकता है। किसी भी जातक के जन्म की तिथि या समय के अभाव में उस व्यक्ति के चेहरे, हाथों की रेखा और शरीर के अंगों जैसे कान, होंठ, आंखें इत्यादि देखकर भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। लाल किताब के कुछ उपाय हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी भलाई के लिए उपयोग कर सकता है, जिन्हें हम आपको अगले कुछ वीडियो में बताएंगे। इसी तरह आपका रोज का राशिफल देखने के लिए और जीवन सरल बनाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।